आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार तथा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बसंत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहां कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने भी वायरल ऑडियो को सही ठहराते हुए कहा कि यदि बसंत कुमार यह साबित कर दे कि यह आवाज उनकी नहीं है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पेश है सीसी न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के मोबाइल से आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार का वायरल हुआ ऑडियो अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। बसंत कुमार के दावे के बाद बालकृष्ण ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष रखा है। बालकृष्ण ने कहा कि वायरल ऑडियो में जो आवाज है वो बसंत कुमार की ही है, लेकिन वह झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसंत कुमार में यदि साहस है तो वह मानहानि का नोटिस देने के बजाय धोखाधड़ी का मुकदमा कायम करें। बालकृष्ण ने कहा कि उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि सुधारने तथा किसी अन्य की राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से ऑडियो को न तो रिकॉर्ड किया है और न ही इसे वायरल किया है। उन्होंने कहा कि किसी कार्यकर्ता ने यह ऑडियो वायरल किया है जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कल जो हमारे आम पार्टी के बसंत कुमार जी हैं, उन्होंने एक प्रेसवार्ता में कहा है कि एक ऑडियो जो वायरल हुई है बालकृष्ण द्वारा हुई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये मेरे द्वारा वायरल नहीं हुई है या गलती से मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये वायरल हुई होगी, क्योंकि ये फोन मेरे पास नहीं रहता। कभी जब कोई प्रोग्राम होते तो मेरे कार्यकर्ताओं के पास ही फोटो खींचने के लिए या वीडियो बनाने के लिए चले जाता है। नंबर दो बात, उन्होंने ये कहा है कि ये आवाज़ मेरी नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर ये आवाज़ बसंत कुमार जी की नहीं है, अगर बसंत कुमार जी को बदनाम करने की चेष्टा की गई है, तो मैं बसंत कुमार जी ने कहा है कि मुझे मानहानि का दावा ठोकना पड़ेगा, मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा। मैं अपने बड़े भाई बसंत कुमार जी से कहना चाहता हूँ, आप जो ये नोटिस देने की बात कर रहे हैं, आप इसमें अगर ये फर्जी ऑडियो बनाई गई है तो इसमें 420 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। आप 420 का मुकदमा दर्ज करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब उनके द्वारा उन्होंने तो ये कहा है कि मैं क्या नाम कहते हैं मानहानि का दावा ठोकूँगा, मैं ये मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा उनके ऊपर। वो मेरे पर कर सकते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो वास्तु में शासन प्रशासन है, जनता है, सभी देखेंगे। मैं उन पर कोई मुकदमा जो कह रहे कि मैं बालकृष्ण पर मुकदमा करूँगा, लेकिन मैं उन पर कोई मुकदमा नहीं करूँगा। उनका कहना है कि आपने उनकी निजता को प्रभावित किया। देखिए, उन्होंने हमारे आराध्य देव विष्णु कृष्ण भगवान पर अपने आप को मानते हुए ये कहा गया है कि मैं जिसको भी छूता हूँ वो धन्य हो जाता है, कण कण में मैं हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर की पीड़ा भी है, हम सुबह शाम भगवान को पूछते हैं। वो मेरे से खुद ही कहने हैं कि आप एकदम मेरे को छू के देखो, लेकिन मैंने इसमें कोई कोई भी कहीं पर भी कोई कुछ वो नहीं किया है। गलती से वो वायरल हुआ है, वायरल होने के बाद भी मैंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक दो पत्रकार आए, लेकिन मेरे को जो उनकी अहम और घमंडता दिखाई दी, ऐसा तो कृष्ण भगवान जब अवतार हुए थे उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ। आप मानते हैं आपसे गलती हुई है? आपने कहा कि अभी गलती से मुझसे वायरल हुआ है। ना ना, मेरे से गलती नहीं हुई है, मतलब जिससे भी गलती हुई है आप मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनके उससे वो गलती हुई हो सकती है, हुई है। अच्छा, ये जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है उसमें आवाज भी उनकी, ये सत्यता कितनी है उसमें? 101% सत्यता है। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें, जो मेरे ऑडियो वायरल हुई है, मेरे मोबाइल में कितने बजे फोन आया, सुबह की बात है, कितने दिनांक कितना है, वो सारी चीज़ें मोबाइल पे हैं। वो सिर्फ मेरी FIR दर्ज करें। जब तो, ये ऑडियो वायरल हुआ तब कॉल उनका था या आपका गया? देखिए, उनका भी आता है और मेरा भी जाता है उस दिन। अब उस दिन मुझे शायद मैंने किया हो, शायद मैंने किया हो। अब बसंत कुमार जी की काफी वीडियो है मेरे पास, मतलब वो है, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि हाँ उस दिन मैंने ही फोन किया हूँ, क्योंकि वो आप पार्टी में जा रहे थे। जो आधे घंटे की बातचीत आपकी हुई है, इस ऑडियो से कोई छेड़छाड़ भी करी आपने? ना, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मेरे मोबाइल पर ऑडियो सिर्फ 2 मिनट का कम से कम? नहीं नहीं, मेरे मोबाइल में जो है सारी चीजें वैसी की वैसी रखी गई है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। उनका कहना है डबिंग की है आवाज।
वो 101% जो बातें मैं सुन रहा हूँ वो 101% सही है। उनका कहना है कि जो उनकी आवाज है वो नहीं है, वो डबिंग करके आपके द्वारा प्रचारित की। अगर ये वास्तु में सत्य अगर वो साबित करते हैं, अगर वो ये बात को साबित करते हैं, मैं चौराहे पे जाके सारी जनता से माफी मांगूंगा और राजनीति से संन्यास लूंगा। और अन्यथा बसंत कुमार जी ने चौराहे पे जाके सारी जनता से माफी मांगनी चाहिए और राजनीति से संन्यास लेना। कहा गया है कि ये उनकी छवि धूमिल करने के लिए है, या फिर ये कहा गया कि ये आप अपनी छवि चमकाने के लिए आपने इसको वायरल किया, उनकी छवि धूमिल करने। देखिए मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है मैं किसी की छवि धूमिल करूँ या अपनी छवि चमकाऊँ। मेरा सिर्फ यह है कि विकास कार्यों को के लिए या जनता की सेवा के लिए। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये वीडियो वायरल मैंने नहीं की है। मेरे पास जो वीडियो है अभी भी सेफ है। और अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि बसंत कुमार जी 420 पे मेरे पर मुकदमा दर्ज करें, इसकी जाँच करें, लेबोरेटरी में ले जाएँ मेरे मोबाइल को, अगर वहाँ पर अगर ये पता लगता है कि हाँ मैं झूठा हूँ, तो मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अरे जी पूरा वार्तालाप है किस्म का, आपको ये नहीं लगता कि ये किस्म की हल्की किस्म की और छिछोरी किस्म की राजनीति है? देखिए छिछोरी किस्म की राजनीति मैं नहीं करता हूँ, बसंत कुमार जी बार बार छिछोरी किस्म की राजनीति करते हैं, कहीं पर भी देख लीजिए। लेकिन मैं उनसे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, उनकी चरित्र पर या उनके उसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आपने देखिए 2017 में बसंत कुमार जी ने नाबालिग लड़कियों को चौराहे में नचाने का काम किया। मैं फिर भी ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बोलूँ, लेकिन वो छिछोरापन वो मेरे से खुद ही करते हैं। कभी जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ पर मेरे से छिछोरापन करते हैं, कभी वो पिस्टल की धमकी देते हैं। सारी ऑडियो और भी आपके पास? जी 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 समय आने पर उनको देखिए, अगर ज़्यादा ही छिछोरापन अगर वो करेंगे, ज़्यादा ही अगर मेरे को परेशान करेंगे, तो मैं वीडियो को भी उनको भी आपके सम्मुख रखने को तैयार रहूँगा।